दोस्तों, अगर हमें कार या बाइक को रोकना होता है तो हम सीधा ब्रेक मारते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां रुक जाती है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जब समुद्र में इन हजारों लाखों टन वजनीय शिप्स को किस तरह रोका जाता होगा। तो भैया जरा गौर फरमाएगा। देखिए, अब हाइड्रोलिक प्रेशर से तो रोका नहीं जा सकता। जब शिप समुद्र में 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड से तैर रही होती है, तब उसे कई तरीके से रोका जाता है। नंबर वन, जब शिप के डायरेक्शन को चेंज करके शिप को ट्रिप किया जाए, ट्रिप फोर्स के कारण शिप की स्पीड कम होने लगेगी और शिप रुक जाएगी। नंबर टू, शिप के सारे इंजन को बंद कर दिया जाए, जिससे थोड़ी दूर जाने के बाद शिप ऑटोमेटिक रुक जाती है। नंबर थ्री, शिप के प्रोपेलर को रोककर उल्टी साइड घुमाना। इससे शिप तो रुक जाती है, लेकिन इंजन में दिक्कत आ जाती है। इसलिए मॉडर्न शिप्स में इस तरह के कंट्रोलेबल पिथ लगे होते हैं, जो सिर्फ ब्लेड्स के एंगल को साइड घुमा देते हैं और पानी आगे की जगह पीछे फेंकने लगती है, और इस तरीके से इंजन भी सेफ रहता है और शिप भी रुक जाती है।